अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 को है चल रहा था हमारा। इसका है पार्ट नंबर 4 है आपका 8 6 की एक्स प्लस 7x³ माइनस 1। एट एक्स सिक्स प्लस 7x³ माइनस 1 जो हमने पार्टी से 3 में किया था कि मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने 4 टर्म्स अपनी कंप्लीट की थी, वैसे ही इसके साथ भी करेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म को 8x6 को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा माइनस 8x6। अब हमें मिडिल टर्म क्या लानी है, 7x³। इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 8 आ गए। यहाँ हमने ऊपर निकाले हुए थे इसके फैक्टर्स, 2 2 और 2 आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ आ गए 8x³ आ गया, ठीक है। फैक्टर्स निकाले, 6 के निकाले तो x³ आ गया। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर 7x आ जाए क्या प्लस माइनस करेंगे, तो इसमें अगर हम खाली माइनस एक्स कर दें, x³ कर दें, तो 8 में से 1 गए, 7x³ आ गया, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 8 1 8, x³ को x³ से गया, x6 आ गया। तो हमारे क्या फैक्टर्स बन गए, 8x6 प्लस 8x³ माइनस x³ माइनस 1। ये दो सेट बन गए, ये दो सेट बन गए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें x³ है, इसमें x6 है, तो x³ को हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ 8 भी आ गया, क्यूब भी आ गया, तो यहाँ क्या बचा खाली, x³ प्लस 8x, ये पूरा आ गया था, यहाँ पे 1 बचा। माइनस इनमें कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या, माइनस माइनस प्लस x³ माइनस माइनस प्लस 1। अब ये दोनों सेम आ गए हमारे, ये एक साइड बन गया 8x³ माइनस 1 और ये बन गया x³ प्लस 1। अब ये वही हमारा फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, ये आ गया हमारा 2x³ माइनस 1³। और ये क्या फार्मूला बना हमारा, ये बन गया x³ प्लस 1³। तो अब हमारे दोनों कौन से फार्मूले बन गए, अब इसमें क्या फार्मूले बन गए हमारे, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b² एक ये फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला क्या बन गया, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² ये हमारा दूसरा फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या था 2x था माइनस बी क्या था 1 था। अब इस 2x क्या क्या है, ए स्क्वायर करना है, तो ए क्या है 2 है, 2 को स्क्वायर करेंगे 4x² फिर प्लस ए क्या है हमारा 2x और यहाँ 1 था तो 2x और 1 2x ही रहेगा और फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा ये वाला सॉल्व हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे, ये क्या है a³ प्लस b³, तो ये इसका क्या आंसर आएगा, a प्लस b। उसके बाद a² का मतलब है x² और माइनस x और 1 आ जाएगा, x और 1 का मतलब है खाली x आ गया, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट खोल लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, पहला क्या है 2x माइनस 1, उसके बाद x प्लस 1, उसके बाद 4x² प्लस 2x प्लस 1 और आखिर में x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारा है
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स माइनस 2y होल क्यूब माइनस 64z क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में x माइनस 2y क्यूब इज माइनस 64z क्यूब, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सपोज कर लें कि suppose x minus 2y cube is equal to cube बढ़ा दें is equal x minus 2 is equal to a। तो अब हमारा सवाल क्या बन गया, a cube minus 64 के हम factors निकाल लेंगे, अगर 64 के 2 2 8 2 4 2 2 2 1, तीन क्यूब निकालना है तो तीन का सेट ये, तीन का सेट ये, तो 2 2 4 z क्यूब, ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा। कौन सा फॉर्मूला बना, ये a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी यानी 4z, ठीक है। अब a स्क्वायर यानी a है तो इसका a स्क्वायर हो गया, या प्लस है सॉरी, प्लस 4 a भी है ना, तो 4az प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16z स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हमने सपोज किया था कि x, हमने अब क्या करेंगे, हमने जो है a को सपोज किया था, a को हमने किसकी जगह यूज़ किया था, x माइनस 2y की जगह में, तो a की जगह हम इसकी वैल्यू ही डाल देंगे। क्या किया हमने, हमने इसको ब्रेक कर दिया था, ये फार्मूले से खुल गया। अब यहाँ पे जो आया था तो ये आया है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमने फार्मूला यहाँ से लिया, a माइनस बी होल स्क्वायर हमने पहली एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। तो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर कर दिया, फिर 2ab, ये 2 2 2 4 ab आ गया, ठीक है। फिर b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब है 4y स्क्वायर हो गया, ये आ गया, प्लस 4x और ये z इससे हो रहा है तो प्लस 4xz हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 4 2 8 yz हो गया, ये प्लस 16, फिर इनको हमने अरेंज करके एक तरतीब से लिख दिया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। 125 r³ माइनस s प्लस 80³, ठीक है। इसमें भी वही कर लेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये a है, इसको सपोज कर लेंगे कि ये a है, ठीक है ना। सपोज s प्लस 80 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब क्या है, ये सवाल क्या बन गया हमारा, 125 r³ और माइनस a क्यूब, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसका निकाला 5 r³ माइनस a क्यूब, तो इसका क्या आंसर आ गया,
फाइव आर माइनस ए 25 आर स्क्वायर माइनस 5 ar सॉरी प्लस ar प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू डाल देंगे। कैसे आएगी, 5r माइनस प्लस माइनस s माइनस प्लस माइनस ए टी, ठीक है, ये आ गई हमारी a की वैल्यू। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगी, 25r तो वैसे ही आ जाएगा, 25r स्क्वायर वैसे आ गया प्लस 5, a की जगह a की वैल्यू डाल देंगे s प्लस ए टी और आर आ जाएगा। आर तो हमने यहाँ निकाल लिया ना, आर आर यहीं इसके साथ रहेगा, ए की वैल्यू डाल दी। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर का क्या है, एस प्लस ए टी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला इस फार्मूले से हो जाएगा, ठीक है। 25 आर स्क्वायर प्लस 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 5 आर एस प्लस 5 ar t प्लस, इसको करेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 एस ए टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, 5r माइनस s 5r माइनस s माइनस ए टी, अब यहाँ स्क्वायर वाले सारे एक साथ लिख लें, 25r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ गए। फिर उसके बाद प्लस 5rs प्लस 5 art प्लस 2 sat, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह हमारी 5.4 कंप्लीट हो गई है। 5.4 कंप्लीट होने के बाद अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में 5.5 करा देंगे, ठीक है। आपका 5. मैट्रिक में 5.5 है, तो आपको ये 5.5 इसके बाद लास्ट इसकी एक्सरसाइज मैं करा दूंगा, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।